Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. So today I tried this yummiest and easiest restaurant style fettuccine alfredo pasta, which is so easy to make. So let's start the recipe. इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड लेंगे और लेंगे साथ ही चिकन ब्रेस्ट. मैं यहाँ पर हाफ ब्रेस्ट ले रही हूँ और इसका जो ये लोअर पार्ट है इसको आपने रिमूव कर लेना है, अदरवाइज़ जब हम इसको फर्दर फ्लैटन करेंगे तो ये फिर तंग करता है. दैट्स वाई आपने जो ये इसका पार्ट अलग हो रहा होता है इसको बिल्कुल आपने रिमूव कर देना, और अगर इसके अंदर कोई बोन्स हैं तो वो भी रिमूव कर दें. देन विद द हेल्प ऑफ अ हैमर इसको अच्छी तरह से हम लोग फ्लैटन कर लेंगे. इससे ये होगा कि इसके मसल्स टूट जाएंगे और ये ज़रा सॉफ्ट भी हो जाती है. सॉल्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 teaspoon सॉल्ट ऐड किया है. रेड पेपर ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के ऐड कर सकती हैं. मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 teaspoon चिली फ्लेक्स, ये मैंने ऐड किया है. 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ पैप्रिका पाउडर 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था. विनेगर ऐड करेंगे 1 teaspoon, ऑलमोस्ट मैंने 1/2 teaspoon के जितना सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 teaspoon के जितनी चिली सॉस ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैंने ऐड की है मस्टर्ड पेस्ट 1 teaspoon. मेरे पास यहाँ पर रायते वाला दही था, प्लेन दही मुझे नहीं मिल रहा था, सो दैट्स व्हाई मैंने वही ऐड कर दिया. आपके पास प्लेन दही हो तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं. अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे यहाँ पर वूस्टरशायर सॉस ऑलमोस्ट 2 teaspoon के जितनी. ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एंड लीव इट टू मैरिनेट फॉर ऑलमोस्ट 1/2 hour to 15 minutes. ठीक है, या 15 minutes छोड़ देंगे, एटलीस्ट 1/2 hour तो छोड़ें इसको मस्ट. तो इसको यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 1/2 hour के लिए छोड़ दूँगी. साइड बाई साइड यहाँ पर हम लोगों ने बॉयल करना है पानी फॉर फेटुचिनो पास्ता. इसके लिए मैंने 1 teaspoon सॉल्ट ऐड किया है और साथ ही ऐड करना है इसके अंदर ऑयल, और जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट हो तो इसके अंदर ऐड कर देंगे ये कुछ बॉल्स. मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 to 5 लिए हैं, ये ऐड कर देंगे. ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर से जाके परचेज कर सकती हैं फेटुचिनो पास्ता के नाम से. ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से बॉयल करेंगे ताकि ये प्रॉपरली अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए. ये पास्ता बॉइलिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, सो मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहें, और जैसे ही आपको लगे कि पास्ता डन हो गया है तो फिर इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें. यहाँ पर मेक श्योर कि स्ट्रेन करने के बाद आप इसको टैप वाटर के नीचे ज़रूर एक दफ़ा वॉश कर लें ताकि ये अच्छे से बाद में जो पास्ता है वो खिला से रहता है, बिल्कुल आपस में चिपक नहीं जाता. सो मेक श्योर कि आप ये स्टेप ज़रूर करें. अच्छे से इसको हम लोग वॉश कर लेंगे और अकेले मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी इसको अच्छे से स्ट्रेन होने के लिए. और जितनी देर में पास्ता स्ट्रेन हो रहा है लेट्स स्टार्ट ग्रिलिंग आवर चिकन. इसके लिए मैंने लिए यहाँ पर एक ग्रिल पैन, और चिकन के मैरिनेशन में मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 tablespoon ऑयल ऐड कर दिया था ताकि ये भी इसी के अंदर अच्छे से मैरिनेट हो जाए. ग्रिलिंग के टाइम पे आपने ऑयल ऐड नहीं करना क्योंकि ऑयल हम ऑलरेडी मैरिनेशन में ऐड कर चुके हैं. तो हम लोग इसको यहाँ पर ग्रिल करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम. इसको हाई फ्लेम या लो फ्लेम के ऊपर ग्रिल नहीं करना. आफ्टर एवरी 2 to 3 minutes हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर अगेन जो मैरिनेशन है वो ऐड कर देंगे. बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि हम लोगों को मैरिनेशन ज़ाया नहीं करनी चाहिए, वेस्ट नहीं करनी चाहिए. आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ करें इसी के ऊपर, इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हांस होता है. अगेन बार बार इसकी बेस्टिंग करते रहें तो वो बहुत अच्छा रह जाता है. तो यहाँ पर आफ्टर एवरी 2 to 3 minutes चिकन को हम लोग फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से कुक करेंगे, और दूसरी साइड चेंज करने से पहले अगेन इसके ऊपर मैरिनेशन अप्लाई करेंगे लाइक सो. और अच्छी तरह से इसी तरह करते हुए आफ्टर एवरी 2 to 3 minutes इसको हम लोग चेंज कर लेंगे अनटिल चिकन कुक हो जाए और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाएँ. ग्रिल मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे इसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है. After grilling chicken for about 10 to 12 minutes on medium flame, chicken के ऊपर बहुत अच्छे से grill marks आ गए हैं. थोड़ा सा इसको और press करेंगे ताकि और अच्छे से grill marks आ जाएँ, और chicken जो है it's completely done here. इसको यहाँ पर हम लोग dish out कर लेंगे, और यहाँ पर next we gonna prepare our sauce. Sauce के लिए सबसे पहले pan में add करेंगे oil. Oil आपने add करना है almost 2 to 4 tablespoons के जितना. ऑयल ऐड करेंगे. ऑयल ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर गार्लिक जो कि फाइनली चॉप्ड होना चाहिए. ये है ऑलमोस्ट 1 teaspoon हीप्ड. ये ऐड करेंगे, इसको अच्छे से सौते करेंगे अंटिल इट गेट्स लाइट टू गोल्डन ब्राउन. जैसे इसका कलर चेंज हो तो ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 packet ऑफ टेट्रा क्रीम जो ईजिली हमें मार्केट में मिल जाती है. ये ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे. मेक श्योर कि आप क्रीम ऐड करने के बाद इसको कुक करें ऑन मीडियम लो मीडियम फ्लेम पे. हाई फ्लेम
पे आपने इसे बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। जैसे ही क्रीम में बबलिंग स्टार्ट हो तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 कप ऑफ मिल्क और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा जो है ये एक इक्वली स्मूथ हो जाए। जैसे ही ये इक्वली स्मूथ हो तो इसके अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर जो कि मैंने ऐड की है ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर यहाँ पर चिली फ्लेक्स जो कि मैं ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस आउट कर सकती हैं। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चिकन क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है और बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो मेक श्योर कि आप टेस्ट करने के बाद इसके अंदर ऐड करें सॉल्ट, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के जितना। ऐड करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब क्रीम सॉस थिक होना स्टार्ट हो तो इसके अंदर ऐड करेंगे मशरूम्स। मशरूम्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे यहाँ पर और साथ ही इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ ब्लैक ऑलिव्स। ये हैं ब्लैक ऑलिव्स, ये ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर इफ़ यू गाइज वांट तो आप इसके अंदर कैप्सिकम्स वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, बट आई डोंट लाइक दैट एंड अल्फ्रेडो पास्ता तो मैंने वो ऐड नहीं की। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर जब सॉस अच्छे से कुक हो जाए तो ऐड कर देंगे इसके अंदर पास्ता। पास्ता ऐड करने के बाद उसको अच्छे से हम लोग बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको सॉस कम लग रही हो तो ऐड कर दें इसके अंदर ऑलमोस्ट 1/2 कप ऑफ मिल्क और इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर लें। बट अगर आपको इतनी ही सॉस ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इट्स परफेक्ट, तो फिर आप इसको स्किप कर सकती हैं। मुझे सॉस कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर सॉस और ऐड कर दिया। फिर ऐड कर इसके ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगानो ताकि इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। यू गाइज कैन ऑल्सो ऐड मिक्सड हर्ब्स, बट मैंने यहाँ पर ऑरिगानो ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अगेन, जो आपको जितनी अमाउंट चाहिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उतने मिक्स हर्ब ऐड कर सकती हैं, लाइक ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून to 1/2 टीस्पून ये ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आफ्टर दिस लास्ट में यहाँ पर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आपके पास जिस भी तरह है, ब्लॉक फॉर्म में है, श्रेडेड है, आपके पास स्लाइसेस हैं, आप वो भी ऐड कर सकती हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे यहाँ पर जब तक मोज़रेला चीज़ जो है वो मेल्ट हो रही है। यहाँ पर चिकन जो हमने कुक करके रखा था इसके हम लोग बहुत ही फाइन स्लाइसेस कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल जो है वो हम लोगों ने इसको कट कर लेना, अच्छे से कट करना है ताकि ये बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आए। इसके चंक्स बिल्कुल नहीं बनाने, बिल्कुल हम लोगों ने इसको स्ट्रेट स्ट्रिप्स में कट करना है आफ्टर कुकिंग। और चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट और टेंडर और जूसी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप चाहें तो इस चिकन को वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये चिकन बहुत ही टेंडर और जूसी है। और लास्ट में प्लेट में ऐड करने के बाद इसको ऊपर सर्व कर देंगे लाइक दिस। एंड आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। डू शेयर योर फीडबैक इन कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह office.